ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਕੋਈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅੰਗਰਵਾੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। नमस्कार, आप देख रहे हैं ETS न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आशीष। अभी तस्वीरें हैं सिरसा के जगदेव चौक की दिखा रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हो कि भारी संख्या में जो किसान है यहां पर पहुंचे हुए हैं। और जो जगदेव चौक का जो रास्ता है, पूरा चौक है, पूरी तरह से किसानों ने जाम कर रखा है, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से जो सिरसा में यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसान खाद के लिए मारो मारी चल रही थी, किसानों को खाद नहीं मिल रही थी, उसकी वजह से जो किसान है परेशान थे और काफ़ी समय से जो सरकार का विरोध कर रहे थे। यहाँ पर मैं बता दूं कि जहाँ पर भी किसानों को यूरिया खाद मिलती थी, वहाँ पर लगातार है किसानों की लंबी लंबी लाइनें जो देखने को मिल रही थी। तो किसानों ने परेशान होकर यूरिया खाद की किल्लत से तो यहाँ पर जो सिरसा का जगदेव चौक है वहाँ पर है, किसानों ने धरना लगा दिया है। और किसानों ने जो पूरी तरह से जो सिरसा का ये जो रोड है, मैं बता दूं ये जो रोड है वो रानिया की तरफ जाता है, उसके बाद है कि इस तरफ है, दूसरी तरफ मैं बता दूं कि सिरसा के बस स्टैंड की तरफ, और ये जो आगे है मेन बाज़ार है सिरसा का, उस तरफ जाता है, और पूरी तरफ से ये जो चौक है किसानों ने जाम कर दिया है। यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि किसानों को पिछले लंबे समय से यूरिया खाद की किल्लत को लेकर मारोमारी हो रही थी, किसानों को खाद नहीं मिल रही थी। यहाँ पर जो युवा किसान है उसके साथ जो बुज़ुर्ग किसान है, जो पूरे सिरसा के आसपास के एरिया से किसान आए हुए हैं यूरिया खाद की किल्लत को लेकर, तो उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कि महिलाएँ भी आई हुई हैं कि क्या कहना जी, क्या नाम है आपका? जसपाल सिंह है। कौन से गाँव से आए? अलीगढ़। तो यूरिया खाद की किल्लत को लेकर यहाँ पर जगदेव चौक पर आपने जो जाम लगाया? हम सुबह 4 बजे से आए हैं जी, आज तक एक भी गट्टा खाद नहीं मिली। और कई दुकानों वाले कहते इस तरह बनते नहीं ना, को 1100 गट्टा, 1500 गट्टा, कहते कल 5-5, 7-7 को 11000 गट्टे ही पिया गा, वो कहते बनते नहीं। इसलिए असं इतने लास्ट आके चौंक के बैठे हाँ, इतने जाम किया कि प्रशासन को पता लगे भी जेडे दुकाना खाद नहीं बनते उन्हें तुरंत लाइसेंस कैंसिल कर, जिमीदारों को खाद देन, फर्जे बंद। पर प्रशासन सरकार अगे जो क्या सरकार की नीयत है कि लोग खज्जल खुआर हो, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री कानूनों की लड़ाई हार गया, एक करोड़ कढ़न पिछे कर रहे, पर इन्होंने यह गल तो पता नहीं भी पिंडा चाहूँ कि यूथ BJP के पैण गए, प्रधानमंत्री पंजाब चो भज गया तो हम हरियाणा चो भज के जाऊगा, दिन याद रखे किसान बह गए कोई गल नहीं, किसान तो जम्मे ही ठंड च हुंदा है, ये तो आपके बच्चों छड के रात को आपकी सज्जरी बह इसी छड़ के पानी लाने वग जाता है। पर यह BJP वाले सोच रहे भी इन्होंने की होने वाला है, समा दूर नहीं, चंगे रहन जे लोगों का कम कर, लोगों के हक च गल कर, पहले भी सरकार आईया खाद पहले सरकार ने वंडिया, पर पहली बार देखिए कि पुलिस खाद बनती है, हरियाणा की सरकार को इस्तीफा दे के घर बैठ जाना चाहिए। तो आप देखते हो किसानों का रोष है किस प्रकार है। मेरे साथ युवा किसान है जी, क्या नाम है? सिमरनजीत सिंह। कब से आए हो यहाँ पर? भाई 3 दिन हो गए सानू आद्या, सवेरे आ जाइए 4 बजे यार। इन्नी माड़ी सरकार यार, पहला DAP पिछे बहुत बहुत मुश्किल सामना करया, हुण यूरिया पिछे कर रहे हैं यार। सानू 3 दिन हो गए आद्या, देख ला सवेरे ठंड च पिंडों आने असं आगे बह जाने, खाद अजे भी नहीं मिली, एक कट्टा भी नहीं ना दे के नहीं। सरकार क्या कहते हैं, दे के नहीं दे सरकार? मेरे आ हुण खाद तो बहुत आई भी है, बहुत 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 ट्रक आए हुए हैं, बट यार दे ही नहीं रहे, पता नहीं चक्कर की है, मैं तो आप नहीं समझे जा रही सरकार चाहती की है, या सरकार ये चाहती भी कणक ना हो, फिर इस तो वध की है, फिर ये हुण ये संघर्ष ही कर सकते हैं, जाम ला सकते हैं, इस तो वध कुछ नहीं कर सकते। तो तस्वीरों में देख सकते हो किस प्रकार मैंने किसानों से बातचीत की, उनका कहना है कि सुबह 4 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं, रोज आते हैं, पिछले 3-4 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई है इनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। बुजुर्ग किसान है, आप देख सकते हो कि किस प्रकार इतनी ठंड में, इतनी ठंडी जमीन है, सड़क है, वहाँ पर बैठे हैं, इनका कहना कि परेशान है। मेरे साथ एक और युवा साथी है जी, क्या नाम है आपका? जी मनमोहन सिंह। कौन से गाँव से आए हो? गाँव नागू की। खाद क्यों नहीं मिल रही, क्या वजह क्या है? भाई स्टॉक कर लेंगे रे दुकान वाले, जानबूझ कर नहीं दे रहे, जानबूझ के भी नहीं दे रहे, प्रशासन आवाज़ नहीं उठा रहा, अब प्रशासन नहीं देख रहा क्या हो रहा है। सुबह 4 बजे 3 बजे उठ के आते हैं गांव से, इतना ठंड पड़ती है, क्या करेंगे भाई, बहुत परेशान है, गल छड़ दे यार, बहुत तंगी जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो पूरा रोड है, किसान यहाँ पर रोड पर बैठ गए, इनका ये कहना कि जब तक इनको खाद नहीं मिलती है इसी प्रकार बैठे रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगतार सिंह है जी। कौन से गांव से आए? सौ वाले तो आए हैं जी। क्यों नहीं मिल रही खाद, क्या वजह क्या? जी 500-400 गट्टा बंट देंगे, बाकी अंदर रख लेंगे, रात को ब्लैक से बेची जाते हैं जी,
कुल दुकानदार का घेरा अद्धी बंटती अद्धी अंदर रख ली, कहते स्परे ले लो आह ले लो आह ले लो, एक गट्टा चार चार सौ रुपये का पे, तड़के चार पाँच बजे आए हैं, कोई टोकन नहीं मिले, कुछ नहीं, सड़कते बैठे हैं। पहले DAP की किल्लत रहती थी, अब यूरिया? हाँ यूरिया की किल्लत तो बड़ी होगी जी बस। हाँ DAP का तो एक गट्टा हूँ खाद, तीन तीन गट्टे चाहिए किले मगर, तो एक तड़क कहते दो गट्टे ले लो, चार गट्टे ले लो, चाहिए दस गट्टे, दो गट्टे ना रोज इतने ही रहना पेगा सानू तो फिर। हाँ हाँ तो सरकार तो कह रही कि हम किसानों को पूरी मात्रा में यूरिया दे रहे हैं, लेकिन फिर सड़क से कहा तो बैठ के दे रहे मिल, खाद मिलती हो सू इतने चाह थोड़े ही बैठने का है। आप कहाँ से आए हो? मंगाड़ा से। मंगाड़ा से कितने दिन हो गए आते हुए? हर रोज ही आते जी, आज 10-12 दिन हो गए लगातार आते हैं। हाँ जी खाद नहीं मिलती। वजह क्या है, क्यों नहीं दे रहे? नहीं ये आती तो पूरी है, पूरी बांटते ही नहीं है, पूरी जाती कहाँ है? पता ही नहीं कहाँ, ब्लैक में बेचते हैं जी, गोदाम भरे हुए ब्लैक में बेचते हैं जी। हाँ जी ब्लैक में। तो लगातार किसानों से बातचीत कर रहे हैं, किसानों का यही कहना है कि खाद नहीं मिल रही है, परेशान है, रोज आते हैं, 3-4 दिन हो चुके हैं, प्रशासन है इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, सुनवाई नहीं कर रहा है। और वहीं किसानों का कहना है कि जानबूझकर जो खाद देने वाले लोग हैं, या मैं सेलर कह सकता हूं, वो लगातार है वो स्टॉक कर रहे हैं। मेरे साथ महिलाएं हैं, इनसे जानते हैं। जी क्या नाम है आपका? रमेश है जी। कहाँ से आए? मंगाला से आए हैं जी। कितने दिन हो गए आते हुए? हमें 2-3 दिन हो गए हैं सर आते हुए यहाँ पे, सुबह ठंड में आते हैं सर, सुबह आते हैं और शाम को वैसे खाली वापस चले जाते हैं। क्या बात, लेडीज हमें ऐसे ऐसे बोलते हैं कि लेडीज का भी कोई वो ही बराबर वो नहीं है, लेडीज जेंट्स आए हैं, लेडीज को कोई हक नहीं मिलेगा। क्या लेडीज अन्न नहीं खाती है? हमारे हस्बैंड है वो बाहर खेत में काम करते हैं, हम चाहे उन पे छोड़े यार, हम उनके साथ सहयोग देंगे तभी हम वो हम खाद ले जाएंगे तो वो डाल देंगे खेत में जाके। क्या हमें रोटी की जरूरत नहीं? आगे से उल्टा बोलते हैं लेडीज को। आज भी आए, आज हमने यहाँ पे धरना दिया है, अब अपना हक लेके जाएंगे। अगर किसान अन्न पैदा करेंगे तो लोग खाएंगे, किसान अन्न पैदा ना करेंगे तो कहाँ से खाएंगे ये लोग? ये गद्दार सरकार है बिल्कुल, इस सरकार को आगे बिल्कुल नहीं आने दिया जाएगा। तो आप देखते हो किसान किस प्रकार परेशान है, बार बार है, प्रशासन की इसमें बड़ी जो ढील है, कोताही कह सकते हैं, प्रशासन की तरफ से नजर आ रही है। मेरे साथ किसान नेता है। सर क्या कहेंगे, पहले DAP की किल्लत रही है, उसके बाद अब यूरिया के लिए किसानों को सड़कों पर रोड जाम करने पड़ रहे हैं। सरकार ते कारपोरेट घराने जिहड़े है ना, उन्हां दी मिली भगत है, बिना मतलब तो परेशान करने वाली गल है। सूझवान सज्जण है सारे, मान लो आपां एक दुकानदारी है, दुकानदार दे कोले एक चीज़ पई है, मन के चलो 10 क्विंटल चीज़ पई है, तुसी लैन जाने हो भी सानू जरूरत है, सानू तुसी ऐ करो भी 10 क्विंटल चीज़ दे दो, वो कहिंदा चीज़ तो मेरे कोले 10 क्विंटल पई है पर मैं दऊंगा 5 क्विंटल ही। समझ नहीं आ रही इस गल दी। ये साथी जिहड़े इत्थे विचारे खड़े ने, ये अज तो नहीं लगातार ही, एज है इन्हां दे भैण भरा चाचे ताए पिंडों होर साथी, लगातार अज महीना हो गया जी, ठीक है, असी भी इन्हां दे नाल ही हाँ, साथी सारे शुरू तो भी जदों दा अंदोलन चलिया सी उदों भी इन्हां साथियों का सारिया का बड़ा तकड़ा सहयोग रहा, और इन्हां दे सहयोग करके ही उस हिटलर शाही सरकार की धौन च जिहड़ा किला सी उह कढ के वापस मुड़े। और उदन तुहाडे चैनल के माध्यम से एक गल कही सी भी स्थानक मुद्दों की लड़ाई शुरू होगी, इस तों बाद शुरू होगी लड़ाई, वह भी देखो खाद चाहिए है, पैसे दे के चीज़ लैनी है, और चीज़ स्टॉकड है, स्टॉक दे विच चीज़ पई है पर देनी नहीं, क्योंकि सोच है ना भी असी खज्जल करना है लोगों को, कि हैरानगी वाली गल है। इस करके जाम इस करके लगे भी तुहाडे कोले जिहड़ा स्टॉक पिया उहनू वंडो, असी कोई ये एक्सट्रा चीज़ नहीं मंग रहे, भी उन्हां कोले चीज़ पई है सामने सानू दिसी जांदी है, खंघ लगी है, दवाई लैण गए हाँ परिवार दे विच 2 मैंबर है जी, 2 शीशियां चाहीदियां खंघ दियां, वह कहिंदे शीशियां 2 पईआं पर नहीं असी 1 ही देवांगे, आ लड़ाई लड़ रहे हैं, शर्म आ रही है, शेम ऑन दिस गवर्नमेंट, ठीक है, मंद बुद्धि सरकार है। इस करके देखो बुजुर्ग आ कैमरा घुमाओ तो देखो आ देखो आना का सड़क के बहन का टाइम है कि इन्हों का, ठीक है, आ पिछे निगाह मारो 22-19 आ पिछे देखो घुमा के देखो, कोई हार्ट का मरीज है, किसी को शूगर की दिक्कत है, एक सरकार नू तुहाडे चैनल के माध्यम तो एक चेतावनी दे दें भी इन बिटवीन आ खाद वंडदियां टोकन लेंदियां लैण च लग्गियां, जे साडे किसी भी किसान साथी का कोई नुकसान हो गया, किसी नू हार्ट अटैक हो गया, या आउंदियां जांदियां कोई एक्सीडेंट च किसी की मौत हो गई, क्योंकि अगर पिंड तो आ रहे ने जो तो खाद नहीं मिल रही आ रहे हैं ना, तो मैं सच्चाई ये गल दस दिना भी प्रशासन भी नोट कर ले,
इन्हां नूं गल दी फांस बन जूगी, इन्हां नूं गल देनी आऊगी। और सारे असी एके च हैं और साडा अगर किसी तरह का भी कोई भी नुकसान हो गया चुप करके जिहड़ा स्टॉक पिया वह वंड देण ते जिहड़ी किल्लत हैगी उहनूं नक्की करन। काउंटर एक एक ला रखिया जी, कहिंदे जी मशीन दे विच अज खाद पई है जी किन्नी 1000 गट्टा, तुहाडे कोले पई किन्नी है? अहे 4500 गट्टा। अज भी कह रहे थे खाद आ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਨਾ ਖਾਦ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਮਾਨਸੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਕਾਊਂਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ 3 ਕਾਊਂਟਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਉਤਲੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੜੇ ਛਾਂਟ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਖੱਟਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ CM ਦੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਆਪਦੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ 15-20 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਭਾਵ ਦੀ ਟੋਲ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਅਗਰ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। तो लगातार आप तस्वीरें देख रहे हो सिरसा के जगदेव चौक की है, जो जगदेव चौक सिरसा का मेन चौक माना जाता है, क्योंकि एक तरफ बाज़ार लगता है, दूसरी तरफ मैं कह सकता हूँ सिरसा का बस स्टैंड है, और इस तरफ रानियाँ लगता है, और इस तरफ जो गाँव से पंजाब से सटा हुआ एरिया है उस तरफ ये जो रोड लगता है आप देख सकते हो। किसानों का यही कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है, उनको यूरिया खाद नहीं मिलती है, तब तक इसी प्रकार है रोड जाम रखेंगे। और वहीं एक बड़ी चेतावनी जो किसानों ने सरकार को दे दी कि अगर उनका सलूशन नहीं करती है अभी 15-20 मिनट में, तो फिर से जो पिछले 1-1.5 साल से जो टोल प्लाज़ा बंद थे 3 कृषि कानूनों को लेकर, वो फिर से है जो टोल प्लाज़ा का घेराव किया जाएगा, मेन रोड है वो बंद किया जाएगा आधे घंटे के अंदर। किसानों का कहना है कि आधे घंटे के अंदर जो टोल है वो भी बंद किए जाएंगे। तो बड़ी चेतावनी है, प्रशासन को सोचना चाहिए कि किसान है जो लगभग 6 महीने अपनी फसल को बच्चों की तरह पालता है और उसके बाद बड़ी होते हुए देखता है, क्योंकि पहले भी DAP की किल्लत रही है, फिर यूरिया की किल्लत रही है, किसान बार बार परेशान हो रहा है। सरकार को यही गुहार लगा रहे कि किसान को सरकार परेशान ना करे, ताकि जो किसान खेतों में था वो सड़कों पर आने पर मजबूर हो जाए, और सड़क जाम होगी उससे पूरा प्रशासन है, आमजन है, परेशानी होगी। तुम्हारी ऐसी और वीडियो के लिए बने रहिए और देखते रहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। बने रहिए और देखते रहिए ETS न्यूज़, धन्यवाद। किसानों की समस्याएं थी कि खाद नहीं मिल रही, यूरिया, जिसको लेकर रोड पर जाम किया गया था सुभाष चौक, ये अपने जगदेव चौक पर, क्या ऐसा था कि बारिश आने की वजह उसके कारण एकदम हर किसान को आज खाद चाहिए, खाद की कोई कमी नहीं है। हमारा एक रैक लगा हुआ है IPL का, और एक रैक आज शाम तक आ जाएगा, और हमने 6-4 पाउंड हर जगह, हर मंडी के अंदर, एलनावाड़, डब्बाड़ी, रानियाँ, कालांवाली, सारी जगह खाद बट रही है। यहाँ सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी 4 काउंटर हमने सवेर के चला रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी इनसे बात हो गई है, इनको मैंने यही सलाह दी है कि एक काउंटर और चला देते हैं, इनको खाद देकर तोड़ेंगे आज शाम तक। बार बार सर, पहले DAP की दिक्कत आई थी, अब यूरिया की आ रही है, बार बार ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि खाद की कमी है कोई यहाँ, लेकिन क्या होता है कि ये जो सर्दी के दिनों में, इन दिनों में हमें मार्च तक 1,10,000 MT की ज़रूरत होती है, जिसमें 85,000 MT हमारे पास पहुंच चुकी है, लेकिन रेलवे का सिस्टम होता है, पीछे से सिस्टम के हिसाब से ही आती है, जैसे रैक लगता है कंपनियां अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को बांट करती हैं और हम वहाँ किसानों को खाद वितरित करवाते हैं। कितनी की संख्या में जो किसान हैं अभी बाकी हैं, और कितनी जो भी किसान कल आए थे, परसों आए थे, सबको खाद मिली थी, आज सवेरे की खाद बांटी जा रही है। ये 100-150 फार्मर थे, इनको भी यही आश्वासन दिया है कि मैं इनको खाद देकर ही जाऊंगा शाम तक। ओके सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर सुखदेव सिंह, जिनसे हमने की बात, उन्होंने बताया कि खाद की दिक्कत आ रही थी किसानों को, जिसकी वजह से उनको खाद नहीं मिल रही थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से गुप्ता प्रबंध की गई। उन्होंने कहा कि काउंटर की दिक्कत आ रही थी, काउंटर एक होने की वजह से अब दोबारा उन्होंने कहा कि किसानों को आश्वासन दिया, तो आप किसानों को आश्वासन देने के बाद जब क्वालिटी कंट्रोल ने कहा कि उन सभी को मैं खाद दूंगा, और है कि जो काउंटर है वो और लगा दी जाएंगे, जिसकी वजह से किसानों को दिक्कत आ रही है, किसानों को दिक्कत नहीं होगी, उनको पूरी मात्रा में जो यूरिया खाद है उपलब्ध करवाई जाएगी। हमारी ऐसी और अपडेट के लिए मतलब बने रही और देखते रहिए ETS न्यूज़, धन्यवाद।